निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद का कैबिनेट मंत्री बनने के बाद लखनऊ से गोरखपुर प्रथम आगमन के दूसरे दिन बाबा गोरखनाथ का सपरिवार दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर अन्य महापुरुषों के भी मूर्तियों पर पुष्प अर्पित कर अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पादरी बाजार स्थित कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके संबंध में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि मोदी और योगी ने मत्स्य विभाग को अलग मंत्रालय बना करके निषाद समुदाय के बेटे को मत्स्य मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाकर आरक्षण की पहली सीढ़ी की नींव रख दी है। उनकी पहली प्राथमिकता में रहेगी कि अन्य प्रदेशों से मछलियां यहां नहीं आएंगी, बल्कि इस प्रदेश से मछलियां बाहर जाएंगी। उच्च टेक्नोलॉजी के उपयोग से सभी कार्य किए जाएंगे। इस प्रदेश को मत्स्य विभाग द्वारा मछली उत्पादन में एक नंबर का बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, मोदी जी अमित शाह जी को, माननीय और धर्मेंद्र प्रधान जी नड्डा साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने हमें जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था वो समुदाय के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हमें वो जिम्मेदारी दी। और ज़्यादा धन्यवाद दूंगा उन्हें कि कम से कम मंत्रालय अलग करके कैबिनेट, और चूँकि विभागों में बंटा रहता था, अंग्रेजों ने ढेर सारे कानून बनाकर उजाड़ा था, पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते इनके परंपरागत पेशे पर दूसरे ट्रेडिशनल वोट बैंक का कब्जा हो गया था, जिससे विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हो गए थे, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी से मंत्रालय मिलने का आशीर्वाद लेने गया और दिशा निर्देश दिया, और दिशा निर्देश में उन्होंने निर्देशित किया कि इसे उत्तम प्रदेश के साथ साथ इस विभाग को एक उत्तम बनाना है, कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से मछलियाँ आती है, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम लोग आयात करने के लिए लायक हो जाए, और उनके लिए जो भी साधन संसाधन की जरूरत हो हम प्रोजेक्ट बना कर दीजिए, हम करते हैं, और इनके जो है उसके आधुनिकीकरण कराया जाए। अब पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते ढेर सारे लोग उजड़े हैं, पहले उन्हें बसाने के
के लिए व्यवस्था करो, पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक मास्टर ट्रेनर बनाओ और इन्हें ट्रेंड करके इनको भेजाओ, जो योजनाएं हैं सरकार की उसे पात्र लोगों तक पहुंचाओ और गरीबों को अधिक से अधिक जोड़कर दिखाओ। जो अभी जो बने हुए हैं साधन संसाधन वो उसको आधुनिकीकरण किया जाएगा और इन्हें जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें किया जाएगा और सरकार से जो संभव प्रयास होगा उसे करके इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाएगा।